जेल के अंदर मशक्कतें, ऐसी ऐसी मशक्कतें, तसव्वुर से बालातर मशक्कतें हमारे अमीर मोहतरम को भी, हमारे अराकीन शूरा को भी और रसूलुल्लाह के गुलामों को भी हर किस्म की अजियत देने की कोशिश की गई। लेकिन वो क्या था कि जिसने इन निहत्ते कमज़ोर लोगों का रोब दबदबा बड़े बड़े जालिम जाबिर लोगों पर तारी कर दिया और वो कांप कर रह गए। मैं अल्लामा हसरत मोहानी की ज़बानी आपको बता दूँ। अल्लामा हसरत मोहानी ने 27 साल अंग्रेज़ की जेल में चक्की की मशक्क़त बर्दाश्त की, यहाँ तक कि आपकी कमर मुबारक झुक गई। हकीकतन आपने इतनी चक्की पीसी और इतनी मशक्क़त बर्दाश्त की कि आपकी कमर झुक गई। 27 साल जिंदगी का कितना कीमती वक्त आपने गुजारा। फिर आपने जो बात कही वो मशहूर आपका शेर हमारे अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद मोहतरम ने पढ़ के मशहूर किया उसको, वो शेर ये था कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो। 27 साल तुमने चक्की में लगा के रखा, दीन से मैं फिरूंगा नहीं, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। ये शेर तो आप हजरात ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज नतीजा एक और मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूं कि ये मौलाना हसरत मोहानी ने ये इतनी चक्की की मशक्कत जो बर्दाश्त की और फिर इतना खुल कर आपने उनको कहा और भी खुल खेलो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जालिम के आगे हिमायत हो जाए जालिम की, ये नहीं हो सकता। तो अब ये हुआ कैसे, इसका राज भी हजरत मौलाना हसरत मोहानी ने खोल दिया। फरमाया ये बड़े बड़े बादशाहों का कर्रो फर 27 साल तक मुझे झुका ना सका, दबा ना सका, खरीद ना सका, वजह क्या हुई? आपने कहा रश्क शाही हो ना क्यों अपनी फकीरी हसरत। हम हैं फकीर, हम हैं फकीर, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में रहने वाला जी, मस्जिद में खिदमत करने वाला, अल्लाह अकबर, रश्क शाही हो ना क्यों अपनी फकीरी हसरत। हम फकीरी में भी इन शाहों के लिए हसरत का सामान रखते हैं, ये हमें देखकर, हमारी इज्जतों को देखकर ये रश कर रहे हैं। क्या वजह हुई, हजरत मौलाना हसरत मोहानी से पूछा क्या वजह हुई कि 27 साल तक आपकी फकीरी ने इतनी बादशाही की? कहते हैं रश्क शाही हो ना क्यों अपनी फकीरी हसरत, कब से करते हैं गुलामी शह जीना की, कब से करते हैं गुलामी शह जीला की। हमें तो घुट्टी में गौसे आजम की मोहब्बत मिली हुई है, हमें तो घुट्टी में हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत मिली हुई है। तुम कौन होते हो? आज अगर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रजवी ने 27 साल की उम्र में जो मशक्कत बर्दाश्त की, जो जुल्म, जो बर्बरियत बर्दाश्त की, और हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो जुल्म बर्दाश्त किया और जो मशक्कतें बर्दाश्त की और फिर दीन पर पहरा दिया, नामूस रिसालत पर पहरा दिया, खत्म नबूवत पर पहरा दिया, वजह क्या बनी? कब से करते हैं गुलामी शह जीला की। हमें हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी ने नवाजा।